तो बॉलीवुड में अभी चर्चे में है दो फिल्म, एक रेस 3 और दूसरा है संजू। रेस 3 रिलीज होने वाला है ईद के मौके पर 15 जून, और संजू रिलीज होने वाला है 29 जून को। दोनों ही मल्टी स्टारर फिल्म है, दोनों का ही ट्रेलर निकल चुका है और दोनों फिल्में ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है। लेकिन दिक्कत आ रही है किनको, हमको और आपको, कि कौन सा फिल्म देखना चाहिए या कौन सा फिल्म हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोनों फिल्में दो अलग टाइप का। रेस मूवी का सीरीज होता है नॉर्मली एक्शन और फुल ऑन सस्पेंस से भरा, और संजू फिल्म होगा एक बायोपिक, ये एक सॉफ्ट तरह के फिल्म होगा। दोनों ही फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा है दोनों फिल्म में ही बहुत अच्छा काम किया है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फुल कास्ट ने। ईद के मौके पर रिलीज होने वाला है रेस 3 और साथ में है सलमान खान, तो ये बताने का जरूरत नहीं है कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रहेगा और ये फिल्म 400 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ इंडिया में ही करेगा। बाहर में रेस 3 को लेकर कुछ इशू चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पर ईद के मौके पर सलमान खान का फिल्म रिलीज नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सलमान खान अकेले ही वहाँ का लोकल जो फिल्म होता है उनका रेवेन्यू अपनी जेब में कर लेता है। तो इस वजह से 29 जून को रिलीज होने वाला है रेस 3 और संजू एक साथ पाकिस्तान में और कुछ ऐसे कंट्री में, और संजू भी पीछे नहीं होगा। संजू फिल्म में है राजकुमार हिरानी, है मतलब डायरेक्टर। इन्होंने इससे पहले मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 Idiots, PK वगैरह फिल्म कर चुके हैं। आपको और कुछ बताने का जरूरत है नहीं कि कैसे फिल्म बनाते हैं ये, और साथ में है ब्लॉकबस्टर मूवी लाइक एक्टर और एक्ट्रेस रणबीर कपूर, सोनम कपूर, परेश रावल, विकी कौशल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, बोमन ईरानी, टब्बू वगैरह सब कुछ है इस फिल्म में। तो ये फिल्म तो एक हिट होने ही वाला है और ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और उधर रेस 3 डायरेक्ट करने वाला है रेमो डिसूजा, जिन्होंने पहले ABCD, दिलवाले, बजरंगी भाईजान जैसा अच्छा मूवी बना चुका है। और इस फिल्म में भी है सुपर डुपर कास्टिंग, अनिल कपूर, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडेज, बॉबी देओल, डेजी शाह, सकीब सलीम, पेरी दारूवाला और भी बहुत सारे। तो दोनों मूवी तो होगा दोनों टाइप का। अगर आप सॉफ्ट मूवी देखना चाहते हो तो संजू है परफेक्टली आपके लिए, और अगर आप देखना चाहते हो एक्शन और सस्पेंस मूवी तो आपके लिए रेस 3 बेस्ट है। और आप अगर बॉलीवुड का डाई हार्ड फैन हो तो आपके लिए तो दोनों ही मूवी परफेक्ट होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट लिखेंगे, नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा मूवी देखेंगे और आपके हिसाब से कौन सा मूवी होगा ब्लॉकबस्टर और किसके कमाई कितना होगा। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपड़े देते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।